दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कल सेकंड शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट में और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। याद कर लीजिएगा, आधुनिक बिहार का जो निर्माता है ये दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे और पहले ये वित्त मंत्री थे बिहार के, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, जिसे श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए सोशल स्टडी में जो है 4 से 5 क्वेश्चंस वो बिहार जीके से आए हैं, तो बिहार जीके क्वेश्चंस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम बांध बना है, तो ये है दोस्तों फल्गुन नदी पर, ठीक है, फल्गुन नदी पर। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं। यंग इंडिया दोस्तों ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। दोस्तों क्या पूछा गया? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस आयोग की गठन की गई थी? प्रीवियस ईयर भी आया था ये दोस्तों, हंटर आयोग की गठन किया गया था, ठीक है। जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जलियांवाला बाग घटना के विरोध में सर नाइट की उपाधि को किसने वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम एशियाई व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा से पता चल जाता है कि ये राजस्थान है। देखिए बिहार से क्या पूछा गया था, बिहार का साक्षरता दर क्या है? दोस्तों बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का जो सबसे साक्षर जिला है यह है रोहतास। बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों बिहार का पहला जो रामसर स्थल है यह कांवर झील। ये कहां स्थित है? बेगूसराय में आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सभी को पता है वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वीर कुंवर सिंह ने। रिपीट हो सकता है क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले साल भी देखा गया था, रिपीट हुआ था शिफ्ट में। और पिछले साल ये पूछा गया था दोस्तों कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। और इस बार पूछा गया कि कहां स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसमें दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया है, मनुष्य के मस्तिष्क में सेरिब्रम का क्या कार्य है? तो आपको पता है दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है ना, ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का, और इसका जो कार्य है ये स्मृति, सीखना, भाषण, समझ, विचार, भावना, पढ़ना, इनका नियंत्रण करता है, ठीक है ना, ये सेरिब्रम करता है, सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, इस क्वेश्चन में दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये होती है पीनियल ग्रंथि, जो कि ब्रेन में स्थित होता है, और एक पिट्यूटरी ग्रंथ मतलब पीयूष ग्रंथि भी होता है। तो पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी है। अगर पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में ना दे, पिट्यूटरी ग्लैंड दे, पीयूष ग्रंथि दे, तब फिर उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक ना, पीनियल ग्रंथि ना हो तब। और देखिए और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीनियल बताना है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको थायराइड ग्रंथि बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको बताना है यकृत, ठीक ना। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये दोस्तों टमाटर में। हिंदी के बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए सबसे ज्यादा हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये रस, अलंकार, उसके बाद समाज से पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आया था सम्राट का स्त्रीलिंग, तो यहां पर आप लोग सब पढ़ लीजिएगा इसको,
चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन कितने प्रतिशत है? कार्बन का मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से है, तो 0.03%। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है कहाँ? सोनपुर में। बिहार में डालमिया नगर किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे ऑप्शन में। देखिए राष्ट्रीय पूछा गया है तब महात्मा गांधी बताना है, ठीक ना, राजकुमार शुक्ला नहीं बताना है, राष्ट्रीय पूछा गया है यहां पर। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पीतल किसका मिश्र धातु है, मतलब किससे मिलकर बना है? तो पीतल जो होता है ना दोस्तों ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ये पीतल जो होता है जिसे ब्रास कहते हैं इंग्लिश में, ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्ति हुई पावापुरी में, और ये पावापुरी जो है ना ये नालंदा जिले में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है, राजगीर भी लगभग 10-15 किलोमीटर इसके आसपास में स्थित है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, बिहार के जो है, याद कर लीजिएगा। एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? देखिए दोस्तों रूसी क्रांति से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिटलर ने, एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा जो है ये हिटलर ने दिया था। पदार्थ की चौथी अवस्था, बहुत सारे स्टूडेंट इसको करके आए हैं। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है ये प्लाज्मा होती है, और पांचवी अवस्था जो होती है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। कुल 5 अवस्थाएं अभी तक खोजी जा चुकी है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? शून्य होती है, ठीक ना। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन DC में है। WTA का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है, ये याद कर लीजिएगा। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? ये दोस्तों क्रेटर झील है। लोनार झील जो है ये क्रेटर झील है। देखिए इंग्लिश के हूबहू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने करवाए हैं दोस्तों, और ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट वाला है जो कि ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसे भी देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं।